Hey my makeup lovers, this is me Priyanka and welcome back to my channel. So आज का ये video होने वाला है illusion mask makeup tutorial. So ये tutorial मैं start कर देती हूँ बिना कुछ बकबक किए आपको बोलते हैं. तो let's get started. तो गुड वाइब्स का मिस्ट एंड हुडा ब्यूटी का प्राइमर मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है. इसके बाद मास्क के लिए मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है, तो वेट एंड वाइल्ड का मैं पेंसिल यूज करूंगी जो कि न्यूड शेड में है. तो इस तरीके से मैंने बॉर्डर क्रिएट कर लिया है. इसके बाद जो मेकअप होगा बॉर्डर के अंदर होगा, बॉर्डर के बाहर कोई मेकअप नहीं होगा. तो फाउंडेशन अप्लाई करना है, मुझे लाइट शेड अप्लाई करना होगा जिससे मेरे ओरिजिनल शेड से मास्क का मेकअप थोड़ा अलग लगे. तो मैं दो शेड्स को एक साथ मिक्स करके एक शेड मैंने क्रिएट किया है एंड उससे मैं अप्लाई कर रही हूँ. बस बॉर्डर के अंदर ही अप्लाई करना है इस तरीके के फ्लैट ब्रश की हेल्प से. इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करते हुए आप पूरे फेस पे नहीं बस बॉर्डर के अंदर ही आपको फाउंडेशन का अप्लाई करना है. फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना होगा फेस पे जिससे फाउंडेशन लॉक हो जाए. तो मैं मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी. तो प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां देख सकते हैं. पफ एंड ब्रश के हेल्प से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी. इसके बाद बारी होगी हाईलाइटिंग की, तो मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी फेस पे. तो किस ब्यूटी का कंसीलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, आपके आंखों के ठीक नीचे इस तरीके से नोज के ब्रिज पे, क्यूपिड बो पे एंड मिडिल ऑफ द फोरहेड, मिडिल ऑफ द चिन, जॉ लाइन के ठीक थोड़े ऊपर एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर लीजिए इस तरीके से. अब आपको बेक करना होता है कंसीलर जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया है. तो बेक के लिए आपको लूज पाउडर लेना होता है. तो लैक्मे का रोज लूज पाउडर मैं अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ ही सिर्फ. तो इस तरीके से आपको पाउडर अप्लाई कर लेना है, लेकिन डस्ट आउट ना करें अभी, थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दें इसे, जो कि और भी इफेक्टिव होगा. तो म्यूजिक फ्लावर का मैं जेल लाइनर अप्लाई करूंगी आईब्रोज पे, आईब्रो को डिफाइन करूंगी इस तरीके से. तो ज़्यादा आप ब्रश पे एंगुलर ब्रश ऐसा आप यूज़ करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट ना लें जो कि फेक फील होता है. इसलिए थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे तो फिर आईब्रोज रियल लगेंगे. तो वही कंसीलर किस ब्यूटी का मैं आईलिड पे एंड आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए अप्लाई करूंगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप करते हुए ब्लेंड कर लूंगी. ब्रश का हेल्प भी आप ले सकते हैं इस तरीके से. तो इसके बाद जो लूज पाउडर था उसे आप डस्ट आउट कर लीजिए ब्रश की हेल्प से एंड कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन फिट मी का आप अगेन अपने आईलिड पे अप्लाई करें जिससे आपका कंसीलर लॉक हो जाए. इसके बाद आई शेडो की बारी है. तो क्रीज पे मैं लाइट पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ एंड लाइट पर्पल से डार्कर 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 शेड अप्लाई करते हुए मैं लिड तक आई हूँ एंड इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर लोअर लैश लाइन पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ और ज़्यादा स्प्रेड कर रही हूँ जिससे थोड़ा अलग लुक आए. इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी कट क्रीज के लिए इस तरीके से एंड उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रश का हेल्प लूंगी. तो कट क्रीज पे आई शेडो अप्लाई करना है, तो मैं येलो देन ऑरेंज देन पिंक देन ब्लू इस तरीके से मैं एक एक करके अप्लाई कर रही हूँ आई शेडोज को. उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से सभी कट क्रीज के ऊपर आई शेडोज को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे. कट क्रीज के एजेस को डिफाइन करने के लिए हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे, बट वो आईलाइनर ग्लिटर गोल्डन शेड में होगा क्योंकि वहाँ येलो कलर मैंने अप्लाई किया है. सो उससे मिक्स करता हुआ कलर यहाँ अप्लाई करने के बाद आईब्रो बोन पे एंड इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे. इसके बाद मेलानी का वाइट काजल लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करने के बाद लैक्मे का स्केच आईलाइनर एज लाइनर अप्लाई करेंगे अपर लैश लाइन पे. लोअर लैश लाइन पे भी आईलाइनर अप्लाई करेंगे, बट हल्के हाथों से जो कि डिफाइन करेगा आपके आईज को. तो
तो मस्कारा से आप कोट कर ले अपने लोअर लैशेस को, एंड आप चाहे तो अपर लैशेस को भी कोट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकॉज वहाँ फेक आई लैशेस आपको ऑलरेडी यूज़ करना है। तो एक पैलेट से मैं डार्क ब्राउन कलर एज अ कॉन्टोर के लिए ले रही हूँ, जिसे मैं जॉ लाइन एंड हॉलो ऑफ द चिक्स एंड नोज पे अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्ट्रोरिंग के बाद ब्रश की बारे तो वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन का पिंक शेड में अप्लाई कर रही हूँ नोज पे भी एंड चिक्स पे भी। इसके बाद हाइलाइटर की बारी तो मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ आपने कंसीलर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है वहीं वहीं आपको अप्लाई करना हाइलाइटर, एंड चिक बोन्स पे भी ज़्यादा करके हाइलाइटर आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक मैं ले रही हूँ जो कि दो शेड्स है, एक ऑरेंज एक न्यूड। ऑरेंज को मैं लिप्स के अंदर की तरफ अप्लाई करूँगी एंड न्यूड को बाहर की तरफ। इसके बाद हाइलाइटर को ब्रश की हेल्प से मैं लिप्स पे हल्का अप्लाई करूँगी, जिससे पूरा मैट लुक भी नहीं आएगा लेकिन इल्यूजन में हेल्प करेगा। तो हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी है इस मास्क ट्यूटोरियल के लिए। इसका फेक आई लैशेज देन आई यूज अ मेबलिन पर्पल शेड ऑफ लिपस्टिक। तो ये कंप्लीट हो गया है मेकअप, बट अब बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर मैं इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से बॉर्डर्स पे अप्लाई कर रही हूँ, जो कि डिफाइन करेगा आपके बॉर्डर्स को, आई मीन मास्क के बॉर्डर्स को। इसके बाद आपको जो आपने बॉर्डर्स बनाए हैं उसके लिए आपको शेडो क्रिएट करना है। तो इस बार सिर्फ आपको ब्राउन कलर लेना है एंड बॉर्डर्स के ठीक ऊपर आपको इस तरीके से अप्लाई करना है ब्राउन कलर को। एंड आप चाहे तो अपने फिंगर टिप्स की हेल्प ले सकते हैं ब्लेंड करने के लिए, जो कि शेडो क्रिएट करेगा, जो बहुत ज़रूरी है मास्क के लिए। आप चाहे तो इस तरीके का ब्रश का हेल्प भी ले सकते हैं शेडोज को ब्लेंड करने के लिए, जो शेडो क्रिएट कर रहा है। तो एक वाइपर टिश्यू की हेल्प से जो भी शेडो क्रिएट करने के लिए ब्राउन कलर ब्लेंड हुआ है उस क्लियर कर लेंगे इस तरीके से आप, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको फेक हेयर्स ड्रॉ करने होंगे, तो आप अपने हेयर के कलर के हिसाब से आप ये कलर ले और इस तरीके से हेयर लाइन ड्रॉ कर ले। ये सबसे मेन चीज़ है जिससे आपका फेस मास्क इल्यूजन क्रिएट होगा। इसके बाद जो बचे हुए पार्ट है आपके फेस के, वहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ आई शेडोज एंड लिपस्टिक की हेल्प से कुछ मार्क्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इससे मैं एक्चुअली ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ हैं जो वायलेंस सहती है फिर भी वो ये सब छुपाती है एंड बहुत ही अच्छे से सबके सामने रहती है, जिससे किसी को पता ना चले कि वो क्या सह रही है। तो यही कोशिश किया मैंने, तो होप सो ये मैसेज आप लोग तो पहुँचे। तो इस तरीके से कुछ लड़कियाँ मास्क पहन के रहती है एंड ये सब वायलेंस रहती है। इसके बाद NYBA का मेकअप फिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके से डैप करके एट लास्ट फाइनल लुक ये आता है हमारा। सो होप सो आप लोगों को अच्छा लगा हो ये लुक। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड लव यू ऑल।